छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल कहे जाने वाले दुर्ग जिले की राजनीतिक फिजा से भलीभांति परिचित एवं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने ग्रैंड एसी न्यूज से खास बातचीत करते हुए राजनीतिक विषयों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए देखते हैं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान से हुई खास बात। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एसी की खास पेशकश चर्चा राजनीति की, इसमें एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चर्चा राजनीति के इस गलियारे में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान जी, जो स्वयं एक समाज सेवी हैं। राजनीति को लेकर काफी ज्ञान रखने वाले केएस चौहान आज हमसे चर्चा करेंगे और बताएंगे दुर्ग की राजनीति आखिर है क्या। सर बताएंगे, दुर्ग जिले को छत्तीसगढ़ प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ की राजनीति हलचल से प्रदेश की राजनीति काफी प्रभावित होती है। क्या वर्तमान में दुर्ग जिले की राजनीति फिजा पूर्व की तरह मानी जाए, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कुछ बदलाव जो दिखाई दे रहे हैं। जी, बदलाव होने भी चाहिए। और दुर्ग जिला ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्यशाली की बात है कि दुर्ग जिले के जो नेता लोग हैं, जो आम जनता है, वो प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी गई, भारत में भी भारत को भी अच्छे अच्छे नेता दिए हैं दुर्ग ने, छत्तीसगढ़ को भी दिए हैं, एमपी को भी दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है। और आज की डेट में भी 4 मंत्री हैं हमारे दुर्ग जिले में ही, और राज्यसभा सांसद हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। और निश्चित रूप से, और जो आपने बदलाव की बात बोली है, तो दुर्ग में नहीं दूसरे भी जगह में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखते हैं, और बदलाव एक फिजा में है। जैसे जैसे मानसिकताएँ बदलती जाएंगी लोगों की, मनोवृत्ति है जो वो बदलती जाएगी, वैसे वैसे सभी चीजों में चेंजेस आते जाएंगे। दुर्ग की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो दो राष्ट्रीय दिग्गज पार्टियां जो सक्रिय वहां पर, तीसरा मोर्चा सक्रियता से वहां दिखाई ही नहीं पड़ता, क्या कारण है? देखिये, तीसरा मोर्चा, आजकल जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। वो ये देखती है, अब जैसे 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों में अगर आप 25-30 विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारते हैं, तो जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि आप सरकार तो बना नहीं पाएंगे, और आपके प्रत्याशी को हम जिता के, हम कल को आप उनके ऊपर दोषारोपण करते रहे कि हम अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं मान रहे हैं या प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं मान रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पकड़ बनानी है, तो इसलिए जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। इसीलिए अगर आप ये देखेंगे 2018 में जो चुनाव हुए थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे विधानसभा, लेकिन उसके 6 महीने के बाद ही 11 में से 9 लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और वोट ऑफ परसेंटेज में भी जमीन और आसमान का अंतर था। ये जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है, और वो सब समझती है कि शहरी सरकार को किसमें वोट देना है या विधानसभा में कैसे देना है और लोकसभा में कैसे देना है, तो उसके हिसाब से ही वो वोट देती है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और थर्ड पार्टी की जो बात है, तो यहाँ पर दुर्ग में हो या कहीं और भी हो, जब जनता उसका बल देखेगी कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तभी वो उसको वोट देगी, तभी वो उसको ऊपर उठाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, और राजनीति में ऐसा होता भी है कि दलों में काफी गुटबाजियां होती हैं। वर्तमान में अभी कई सारे मामले से उजागर भी हुए हैं गुटबाजी को लेकर, तो तीसरा मोर्चा जो है ऐसे में क्या सक्रिय होगा, क्या उसकी उपस्थिति हो सकती है? देखिए, जहाँ गुटबाजी बहुत ज्यादा चरम पे आ जाती है या होती है, तो होता क्या है कि तीसरा धड़ा तो आता ही है, उस चीज का फायदा तीसरे को मिलेगा, और उसमें ऐसा भी होता है कि उसी धड़े से निकल के लोग एक अलग थर्ड पार्टी बना लेते हैं, थर्ड फ्रंट हो जाती है वो पार्टी। तो ऐसा होता ही है कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उसका फायदा तीसरा उठाता ही है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और गुटबाजी जो है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए, मतलब एक होना चाहिए कि हमारे को आगे बढ़ना है एक दूसरे से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरों को नीचा गिराना है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए।
और एक इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। दुर्ग जिले की अगर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हम देखना चाहें, जो अभी देखने में जैसे बैठकों में प्रखंड बैठक हो या फिर जिला स्तर की बैठक हो उसमें सामने आ ही जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो गुटबाजी है वो सामने आएगी या तीसरा मोर्चा सक्रिय होगा और विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं वो कैसा प्रभावित होगा इसमें? देखिए, जितनी ज्यादा अगर मान लीजिए पार्टी कमजोर होती है, पार्टी का अगर कमजोर होती है तो इसका 100% दूसरे को लाभ मिलता है। हम इसके अनेकों उदाहरण देख चुके हैं और सिर्फ राजनीति में नहीं, दूसरी जगह में। जब परिवार में हम अपने एक दूसरे से मन मुटाव होता है तो उसका उसका जो फायदा है वो दूसरे लोग उठा लेते हैं, लेकिन परिवार में नोकझोंक चलती रहती है। अब हम एक बोलते हैं कि जैसे हम अगर मान लो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, मान लीजिए तो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो हम बच्चों को भी कभी कभी इससे महरूम रखते हैं, मतलब हम बताते नहीं है कि नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, हम झगड़ लेते हैं, बच्चों तक भी नहीं आने देते हैं, माँ बाप तक भी नहीं आने देते हैं। तो ये झगड़े होते हैं, लाइफ है। और मैं बोलता हूँ कि मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कई खामियां ऐसी उजागर है, समय समय पर नजर भी आती है, जैसे रोड सड़क नाली या फिर शांति व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर के, ये सब देखने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है चुप्पी साधे हुए है, ना खामियां निकालती है, ना गिनाती है, ना ही उनके सुधार के लिए कोई कदम बढ़ाती है। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, वो अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, डिसिप्लिन में रहती है। संगठनात्मक रूप उनका जो है वो जो बोला जाता है कि इस मुद्दे को आपको यहाँ उतारना है, इस मुद्दे की लड़ाई आपको इस हद तक लड़नी है, इस मुद्दे को आपको कोर्ट तक लेके जाना है, इस मुद्दे को आपको सदन तक लेके जाना है, इस मुद्दे को आपको रोड में ही करना है, इस मुद्दे को आपको घर घर जाके प्रसारित करना है। तो जैसे जो मुद्दे होते हैं वैसे वैसे सब जगह वो कोई छोटे स्तर पे किया जाता है इस जिसका प्रदर्शन, और किसी का प्रदर्शन बड़े स्तर पे किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं का और उसके संगठन का एक ही सोच होती है, एक ही मायने रखता है कि वो जो जनता के हित में जो चीजें हैं वो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करे, वो कोई भी मतलब किसी भी रूप में हो, भले वो सदन में हो, भले वो कोर्ट में हो, भले वो बूथ स्तर में हो, अपने घर में पर्चा देने वाली बातें हो, तो सब जगह वैसे ही होता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हाल ही में कुछ दिनों पूर्व नगर निगम की लचरता, वहां की लापरवाही या कार्य कुशलता को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की, प्रदर्शन भी किया गया, आश्वस्त भी कराया गया था कि कार्य योजनाएं बनाई जाएगी, विकास कार्य शुरू किए जाएंगे, वार्डों में दौरा कर वार्डों का सुध ली जाएगी, बावजूद इसके अभी तक की कोई पहल नहीं की गई, इसे लेकर हाल ही में ज्ञापन भी सौंपा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको बोला गया है और जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि नगर निगम का जो पूरी डोर है वो विधायक के हाथ में, बाकी जो है महापौर हैं उनके हाथों में होनी चाहिए, लेकिन उन सब की डोर जो है वो विधायक के हाथ में, ये गलत है अपने आप में। और विधायक अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके ये सब चीजें करवाते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक आम आदमी इतनी परेशानी में है, जूझ रहा है। आप ये बताइए कि जिस दिन प्रदर्शन था, प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला, हरीश मंडावी जी जो कमिश्नर हैं उन्होंने बोला कि हमारे को हाँ इसमें बात करेंगे, हम इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे, वो चीजें नहीं है तभी तो ये बोला गया। अगर वो चीजें पहले से होती तो क्यों बोला जाता? अब जब वो कमिश्नर के ऊपर है, उनकी उनके दायित्व के ऊपर है कि जब उन्होंने कमिटमेंट किया है तो उसके हिसाब से उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ढीली लचर व्यवस्था है शासन की और प्रशासन की, जब शासक
खुद महत्वाकांक्षी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हो जाता है ना, तो प्रशासन जो रहता है ना वो निरंकुश हो जाता है। जब शासक लालची हो जाता है तो लालच है पूरा, अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, इस वजह से ऐसे ही राम भरोसे चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें चुप नहीं बैठेगी। हमारी सुश्री सरोज पांडे जी के नेतृत्व में जो उस दिन प्रदर्शन हुआ, वो मेरे ख्याल से जब 2018 चुनाव के बाद का सबसे अच्छा एक अच्छे प्रदर्शन में से एक प्रदर्शन, क्योंकि आम जनता की परेशानियों के साथ वो इतना ज्यादा अटैच था, इतने परेशान थे लोग पानी के कारण और दूसरी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं दुर्ग में रोड के कारण और दूसरे कारण, तो वो अपने आप में ये समझना चाहिए और शासन प्रशासन को इसमें त्वरित एकदम एक्शन भी लेना चाहिए, जो कि उनकी ढीली लचर व्यवस्था है। और आगे चल के हमारे जो पार्षदगण हैं वो गए भी थे और आगे भी उनको बोल के आए हैं कि आप ये करिए, नहीं तो आगे चल के हम फिर से उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी आवाज और ऊपर तक पहुंचाएंगे। अभी आपने एक बात बोली नगर निगम की कार्य बागडोर को लेकर, जो कि महापौर को छोड़ और आयुक्त को छोड़ वो विधायक के हाथ में, क्या इसे महापौर की निष्क्रियता साबित होती है? क्योंकि जो खुद एक जिम्मेदार पद पे है वो महापौर है, वो क्यों सहारा लेते हैं कि दूसरा निर्णय ले और वही इस पे पहल करे? योग्य और अयोग्यता, जिसने उन्हें महापौर बनाया है उसके पीछे किसका हाथ था और किस टर्म्स कंडीशन में बनाया होगा, ये सब चीजें मायने रखती हैं। धीरज बाकलीवाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो हमारे व्यापार के साथ जुड़े हुए थे, तो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन इस पद के लिए एक उपयुक्त होना वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पद की गरिमा पात्र से होनी चाहिए, पात्र की गरिमा पद से नहीं होनी चाहिए। पात्र उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो पद मिला है पात्र उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसको बहुत ही अच्छे से वो निर्वहन कर सके और जनता के काम आ सके। आप एक क्यों आप इस पद में आए हैं ये आपको सोचना चाहिए, और आपको किसने बनाया है किसने नहीं बनाया है, आप संवैधानिक रूप से जो आपको काम करना है, जो पहले आपको जनता ने बनाया है, आपको कोई भी नहीं बना सकता था, किसी भी, मैं किसी की भी जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं, आपके लिए जनता ही जनार्दन होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए आप हैं और जनता ने बनाया है आपको, और उसके ही प्रति आप दायित्ववान होना चाहिए, किसी और दूसरे के लिए नहीं। अब मेरा सवाल जीवन दायिनी शिवनाथ नदी को लेकर के, इसका जल सभी उपयोग करते हैं, मगर शिवनाथ नदी के संवर्धन और उसके प्रदूषण से बचाने के लिए किस तरह की कोई कार्य योजनाएं नहीं बनाई जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अगला मुद्दा जीवन दायिनी शिवनाथ नदी हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर जो एक आम जनता के मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे। विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब होता है कि जनता की आवाज बनना, जनता को बल देना, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। और आज जो ये मुद्दा है शिवनाथ नदी का, वो जल कुंभी वहां पर जो इकट्ठी हो गई है और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि वहां पर जो दूसरी जो कचरा है वो भी जमा हो रहा है। अब जमा हो रहा है उसके कारण बहाव नालियों का और नालों का बहाव कम हो गया है, बहाव कम होने से वहां पर और ज्यादा कचरा व्याप्त हो गया, वहां से भी स्मेल आने लगी है, रिहायशी इलाकों से भी स्मेल आने लगी है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो जल स्रोत है, जल स्रोत आप बोरिंग ले लीजिए, बोरिंग के पानी से भी स्मेल आने लग गई है, दूसरा जो म्युनिसिपल का जो पानी आ रहा है उसमें से भी कहीं कहीं इलाकों में स्मेल आने लग गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ प्रोग्राम्स में जाने के और सिर्फ दिखावे की राजनीति, और मैंने डांट लगाई है और मैं इस जगह का दौरा करके आ रहा हूं, या मैंने एक जन का राशन कार्ड बनवा दिया, या मैंने ये सुधरवा दिया, मैंने एक पेड़ लगा दिया, मैंने एक नाली खुदवा दी,
सिर्फ दिखावे की राजनीति मत कर। जो आज की डेट में जरूरत है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आज आपको काम करना है, यही धर्म है आपका कि आप जिस पद में बैठे हैं, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जो आपको करना चाहिए, जिसके लिए आप सक्षम है, वो आपको काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, अपने कार्य क्षमता से बढ़ के भी काम करना चाहिए एक नेता को, जो कि हम करते ही नहीं, हम उतना काम भी नहीं करते जितनी हमारे पर हमारे हमारे को अधिकार क्षेत्र में हम बैठे रहते हैं। हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को जरूरत क्या होगी जब हमारे को चुनाव जीतना होगा। तो जनता सब देखती है, और जनता और एक लीडर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को जब जरूरत हो तब मैं काम करूं। एक लीडर की ये क्वालिटी है कि जब जनता को जरूरत हो तब मैं काम करूं, ये होता है लीडर, और इसी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियां रहेंगी, किन किन मुद्दों को लाएगी, या कह सकते हैं उन मुद्दों से जनता जुड़ी होगी और वो विश्वास करना चाहेगी? जिस चीज से भी विकास होता है, विकास मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही विकास नहीं होता, विकास एक पर्सनैलिटी को भी बनाना विकास होता है, एक इंसान को एक योग्य बनाना भी विकास होता है। विकास के बहुत सारे स्तर हैं। अगर आप अच्छी एजुकेशन देके किसी को योग्य बना रहे हैं तो वो भी एक विकास है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास को ही अपना धर्म मानती है कि उस समय हमें विकास के लिए क्या करना है, जो अभी से 1.5 साल जो बचे हुए हैं उसमें हमारे को विकास के लिए क्या करना है, एक इंसान के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, विकास के लिए क्या काम करना है, क्या जरूरत है, कैसे लोग शिक्षित हों, कैसे लोग ग्रो करें, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, कैसे लोग सुरक्षित हों, कैसे लोग न्यायप्रिय हों, कैसे लोग अपने आप को सुखी कर सके, कैसे अपने संसाधनों को बहुत अच्छे से यूज कर सके, कैसे लोग नशा मुक्त हो सके, कैसे लोग योजनाएं जो आ रही हैं उसको केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, कैसे वो उसको यूटिलाइज कर सके, कैसे उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर सके, कैसे जनता का पैसा जनता के पास ही जा सके, कैसे जनता को न्याय मिल सके, कैसे जनता की सुविधाएं हो सके, इस पे काम करती है, यही विकास है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दुर्ग की राजनीति को लेकर हमसे चर्चा की और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, उसकी रणनीतियों के बारे में हमें बताया। तो ये थे हमारे एपिसोड चर्चा राजनीति की। दूसरे एपिसोड में केश चौहान जी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी, उन्होंने दुर्ग की राजनीति को लेकर हमसे चर्चा की और नगर निगम के महापौर के बारे में भी अच्छी प्रतिक्रिया दी। अगली एपिसोड में फिर हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे किसी और एक राजनीतिज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।